किन्नर किस तरह से सेक्स करते हैं? किन्नर तो पहली बात कि किन्नर सेक्स कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा। और सेक्स करेंगे भी तो वो भी मतलब कि अवैध तरीके से। छोटी जी, आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं? बॉयफ्रेंड क्या गिनती से होते हैं क्या? हाँ? सबका बॉयफ्रेंड एक ही होता है। आप बहुत स्मार्ट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड पहले था एक, मतलब वन साइड लव था। वन साइड लव था जी। अच्छा। मैं उससे प्यार करती थी। हाँ। बट कोई सक्सेस नहीं हुआ। हाँ। मुझे पता करने से पता चला कि उसका शादी तय हो चुका है। अच्छा। तो मैंने कोई इजहार ही नहीं किया। मतलब वन साइड लव करते थे? जरा देखिए, छोटी जो है वन साइड लव करते थे और इनके जो लवर थे उनका शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुका था जी, बाद में पता चला आपको जी। क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? नाम का खुलासा नहीं कर सकती। अरे नाम बता दीजिए, उस नाम के तो बहुत लोग होते हैं। कुछ नाम, कोई नाम बता दीजिए जो नाम उनका था वही। उस नाम के बहुत लोग होते हैं। ऐसे तो बबलू था। अच्छा, वैसे क्या था? ऐसे तो बबलू था, वैसे क्या था? नहीं, बबलू बबलू ही हम उसका नाम जानते हैं, लेकिन उसका नाम कुछ और भी था। अच्छा। लेकिन सब पूरा दुनिया उसको बबलू ही बोलता था। बबलू बोलता था। और इस्तेफाक से हमारे पापा का भी नाम बबलू ही है। अच्छा, तो उसे ब्रेकअप कब हुआ? ब्रेकअप कब हुआ था? प्यार का इजहार ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कैसा? आप तो प्यार करते थे, एक तरफा प्यार करते थे। हाँ, बाद में पता चला कि शादी तय हो चुका है तो हमने प्यार नहीं किया फिर। तो फिर जब पता चला कि उसका शादी ऑलरेडी कहीं तय हो चुका है तो फिर कितना तकलीफ हुआ था मन में? कभी लगा था कि शायद हमको इजहार कर देना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं था। मुझे पता चला कि उसका शादी तय हो चुका है तो हमने उसके सामने कभी इजहार ही नहीं किया, ना कभी सामने गई। आज कभी नहीं होगा कि मतलब हम उससे प्यार करते हैं। जानते तो थे ना वो आपको? नहीं, बस उस गाँव में मैं बधाई बजाने गई थी। तो बधाई बजाने गए थे और एक ही दिन में प्यार हो गया, तो प्रपोज कर देना चाहिए था। नहीं, प्रपोज नहीं कर पाई। पहले ही मैंने पता किया कि मतलब वो लड़का क्या है, तो बोला अच्छा। कि फलाने का लड़का है, उसका शादी तय हो चुका है, नवंबर में शादी है। फिर हम बोले कि नहीं, दिल पर छुरी चल गया जी। दिल पे छुरी चल गया, दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गया। देखिए, जो छोटी है ये भी प्यार में धोखा खाई हुई है। इनका जो आशिक था उसका नाम बबलू था। बबलू, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो प्रेमिका है आज भी आपकी राहें देख रही है। हाँ, उसकी बीवी को बच्चा भी होने वाला है। बधाई मांगने जाइएगा? हाँ, जाऊंगी। तो अब तो समझ जाएंगे, बबलू जो होंगे समझ जाएंगे, क्योंकि उनके आप बता दिए कि बीवी है, बच्चा होने वाला है। बधाई मांगने भी जाइएगा? हाँ, जाऊंगी। अगर जाइएगा, उनका पत्नी अगर देख लिया आपको वहाँ पर, इस वीडियो को अगर देख लिया तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन है, नहीं है, जानते हैं नहीं जानते हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा। आप भी दिल दे बैठे थे ना अपने तरफ से उनको? हम दे बैठे थे, वो नहीं ना दिया था। अच्छा। वो तो अपने बीवी, उसके बाद दो अलग नहीं ट्राई किए? नहीं। क्या है, कभी ऐसा कोई दिखा ही नहीं, आज तक नहीं दिखा। अगर कोई लोग अब चाहे, अगर आपसे प्यार करना, बातें करना चाहे तो कीजिएगा? अब नहीं चाहेंगे हम कभी भी। काहे? अब ये हमारा जिंदगी हमारे गुरु के लिए है। बहुत लोग आपकी वीडियो में कमेंट करेंगे कि हमको बात करना है, हम आपसे प्यार करते हैं, बात करेंगे, नंबर दीजिए। बहुत लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे अच्छी बात है, लाइक करेंगे वो भी अच्छी बात है, नंबर भी बहुत सारा सेंड करते हैं। मुझे शादी करना है, मुझे वो, तो शादी कीजिएगा आप? नहीं कर सकते हैं। कर लीजिए, बहुत लोग करते हैं शादी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मुझे ये सब अच्छा से जिंदगी कटेगा, मुझे ये तकलीफ झेलना ही नहीं है। बाद में छोड़ो, ये करो वो करो, काहे छोड़ेंगे? शादी करेंगे तो अच्छा से जिंदगी कटेगा ना। ऐसा कोई नहीं है जो कि जिंदगी कटा सके। घुमाने के लिए ले जाएगा पहाड़ों के? नहीं नहीं, वो सब तो हमें मतलब कि सपना ही नहीं देखना है। उसके लिए हमारी गुरु है, जहाँ हम कह देंगे ना वहाँ पे हमारी गुरु लेके जा सकती हैं, वहाँ पे घुमाती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम बॉयफ्रेंड के साथ ही जाएंगे। शादी अगर कर लीजिएगा किसी लड़का से तो फिर आपको बधाई नहीं मांगना पड़ेगा, कमा कर खिलाएगा आपको, घर में बहू बना करके पत्नी बना कर रखेगा लोग। ऐसा कोई नहीं है। कैसे? ऐसा कोई इंसान नहीं है कि हमको काम नहीं करना पड़ेगा, वो कमा के खिलाएगा, ऐसा कोई इंसान। लोग पत्नी से शादी करके लाता है तो पत्नी से काम थोड़ी करवाता है, आपको भी तो पत्नी बनाएगा ना। हमको पत्नी बनाने में और एक लड़की को पत्नी बनाने में बहुत अंतर है। लड़का किन्नर से शादी करते हैं, क्या वो खुश हो पाएंगे लड़की की तरह? नहीं, वो कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। तो फिर कुछ किन्नरे कहते हैं कि किन्नर इस तरह से सेक्स करते हैं, किन्नर उस तरह से सेक्स करते हैं, तो किन्नर किस तरह से सेक्स करते हैं? किन्नर तो पहली बात कि किन्नर सेक्स कर ही नहीं सकते हैं।
और सेक्स करेंगे भी तो वो भी मतलब कि अवैध तरीके से, जो कि जायज़ नहीं है, अवैध तरीके से। अवैध तरीके से। अच्छा, तो किन्नर क्या बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं, एक किन्नर का भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो फिर लोग शादी क्यों कर रहे हैं? दिल की खुशी के लिए। दिल के खुशी के लिए। जी तो चलिए, आप देख रहे थे हमारे साथ छोटी किन्नर थे, इनसे हर सवाल लेने का प्रयास किया, हर सवाल के जवाब लेने का प्रयास किया है, और ये बखूबी जहाँ तक इनको लगा उचित वहाँ तक हर सवाल का जवाब दिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, तमाम सवाल के बारे में कमेंट बॉक्स अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।